अरे मुश्किल की ऐसी की तैसी, अगर उस छटे हुए लोफर से मुश्किल टलती है तो बिल्कुल ना टले, लेकिन दोबारा अगर तुमने उसका नाम लिया तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। बड़े लोगों की बिगनिंग ऐसे ही होती है। याद है अब्राहम लिंकन कौन था, एडिसन पहले क्या करता था? तुम बस मेरी बात करो आरिफा, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि तुम वापस आ जाओ और आके अपनी सीट पर बैठो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अब्बा की सिफारिश पे नौकरी करूं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। नहीं, मैं आपकी नौकरी के अब्बा नहीं करूंगा। मेरा मतलब है मैं आपके अब्बा के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। तो किसने कहा है करो, दिसंबर तक तुम हमारे पास जॉब कर लो। आपके पास तनख्वाह भी इतनी मिलेगी कि गिनते रह जाओगे, और डेजिग्नेशन भी ऐसा कि देखते रह जाओगे। कितनी तनख्वाह? जितनी तुम कहो, मतलब जितनी तुम सोच लो। और डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन भी तय कर लेते हैं, पहले तुम हामी तो भरो। ऑफिस कहाँ है आपका? हमारा कोई ऑफिस नहीं है। अरे लुबना, इस काम के लिए कोई डरपोक आदमी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, डरपोक तो नहीं हूं मैं। तो फिर हाँ बोलो, ऑफिस का पता क्यों पूछ रहे हो? काम तो लीगल है ना। नहीं, मेरा मतलब अब्बा से वादा किया है कि दो नंबर काम नहीं करूंगा। I'm sorry, दो नंबर मुंह से निकल गया था। तो फिर डट कर कहो कि तुम तैयार हो। डट जाने की क्या बात है, मतलब कोई ऐसा काम है जिसमें जान का खतरा है? हाँ, जान का खतरा भी हो सकता है, इसे साफ कह दो कि नहीं करोगे। ये कैसे हो सकता है, जान का खतरा भी हो तो करूंगा। गुड, दैट्स द स्पिरिट। काम क्या है? बताती हूँ, पहले कुछ खा तो लो। खाऊंगा कैसे, भूख ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने तुम अपना टिफिन खोल रहे थे। नहीं, वो तो आरफा के कहने पर। वो क्या है कि आरफा माँ की तरह हुक्म देती है, तो खा लेता हूँ। भूख तो उस वक्त भी नहीं लगी थी। लुबना, काम की बात करो। देखो, हम तुम्हें महीने के 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख? फरा अपने पर्सनल अकाउंट से देगी, इसी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और हाँ, वो तुम्हारे ड्रेसेस वगैरह का खर्चा अलग से दे देंगे। आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक तो तुम कर रहे हो, ऐसे बन रहे हो जैसे 2 लाख कभी देखे ही नहीं। नहीं देखे, बस 98,000 देखे, वो भी मैच खेल कर जीते थे। मैच खेल कर या जुआ खेल कर? हमारे अब्बा के सामने डटकर बात कर सकते हो? कर तो सकता हूँ, लेकिन उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी फोन आया था उनका, कह रहे थे काम पर वापस आ जाओ। दिमाग काम करता है तुम्हारा, 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर तुम 10,000 की नौकरी करोगे? वो तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके सामने डटकर बात करने की क्या जरूरत है? अब वो भी इस कारोबार में शामिल है क्या? सारा कारोबार ही उनके हाथ में, बस 4 महीनों के लिए छीन लेना उनके हाथ से।
क्या ढूंढ रहे हो? रुमाल। थैंक यू। अब्बा से कारोबार छीनना तो गैर इस्लामी है। अरे सुन तो लो। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। असल में क्या है कि 15 दिसंबर को फराकी मेहताब चावला से शादी हो रही है। तुम मेरी तरफ देखो ना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? ग्लास पानी। जो मैंने कहा वो तुमने सुना? जी। अब हकीकत ये है कि फराह उससे शादी नहीं करना चाहती। शादी की तारीख तय हो गई, इसकी सूरत हाल जरा गंभीर है, लेकिन फराह ने इसका हल निकाल दिया। उसने अब्बा के सामने हिम्मत करके कह दिया है कि वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात भी सच नहीं है, वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, बस वो शादी को टालना चाहती है। बस यहां तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। मदद? मदद या नौकरी एक ही बात है। क्या करना होगा मुझे? 4 महीनों तक फराह से मोहब्बत करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी। जरूरत पड़े तो अब्बा के सामने डट कर ये कहोगे कि मैं फराह से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मर जाऊंगा उसके बगैर। इस बात पर तुम्हें थप्पड़ मार दे तो तुम खाओगे, बंदूक डाल ले तो तुम सीना तान के कहोगे कि मारिए गोली। लेकिन इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, और अगर नौबत आ भी गई तो उनका निशाना बहुत बुरा है। मेरी पप्पो भी बच गई थी। बेहोश क्यों हो गया था? अरे बताया तो है, सदमा हुआ है उसे। किस बात का सदमा? 2 लाख की सैलरी के साथ साथ 4 महीने मोहब्बत करने की इजाजत भी दे रही हूँ, ये सुनकर एक 10,000 के क्लर्क को सदमा कैसे हो सकता है? अरे समझो फरा, दिल दुखा हुआ है उसका। वो कैसे? याद करो जरा किसका बेटा है। इसमें याद करने की क्या जरूरत है? याद है तो फिर समझ लो, मौलवी साहब की तरह सोचता है वो। मतलब क्या सोचता है? यही कि एक शरीफ घर की लड़की किस तरह अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या ड्रामे कर रही है। अरे चलो, अभी 4 दिन हुए उसको मुसलमान हुए। जब कोई नया नया मुसलमान होता है ना तो बहुत ज्यादा मुसलमान हो जाता है। खैर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और मिल जाएगा। क्या तुम गली गली बदनाम करोगी मुझे? वो कमीना जाकर अपनी बहन को बताएगा, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी, बल्कि मुझे फोन करेगी और पूछेगी कि अफजल क्या कह रहा है। मैं तो साफ कह दूंगी झूठ बोल रहा है। वो तो कहना ही पड़ेगा, और इस तरह से कहना कि मौलवी साहब सुने तो मुंह तोड़ दे उसका। अब जाऊं? कहां जाऊं, यहीं बैठो, और जब तक मेरे मुंह से कालक नहीं उतर जाती तुम हिलना भी मत यहां से। कालक? ओ गॉड। कौन? अब्बा है? मैं हूं। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? दर्द हुआ है तो। कांप क्यों रहे हो? यही तो समझ नहीं आ रही,
मम्मी कहाँ है? आंटी कौशल क्या मिलाद पढ़ने गई हैं? अभी आती होंगी। लिहाफ तो ले आओ। लिहाफ? सर्दी से जान निकल रही है। कमरे में चलो। तो ले चलो। बुखार भी है? बुखार ही तो है। इस तरह तो मलेरिया होता है? नहीं, मलेरिया नहीं है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ। जाऊं तो क्या बताऊं? अरे खुदा के बंदे, जाके चेक कराओ, गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है? कहीं सचमुच मलेरिया तो नहीं हो गया? तुम लिहाफ दे दो मुझ पर, देखना अभी पसीना आ जाएगा। वो तो आ ही जाएगा। अच्छा मैं लेके आती हूँ। क्या करना होगा? 4 महीनों तक फराज से मोहब्बत करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? अब मेरा मतलब है मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी। जरूरत पड़े तो अब्बा के सामने डट कर ये कहोगे कि मैं फराज से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मर जाऊंगा उसके बगैर। ये लो, जल्दी से। तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। हाथ दिखाओ। अब तो बुखार भी नहीं है। पंखा चला दूं? खबरदार। ये किस तरह बोल रहे हो? खबरदार क्यों कहा? उसे निकल गया था, अब पंखा मत चला रहा है। देखना फिर कब कभी शुरू हो जाएगी। फिर तो मलेरिया है बिल्कुल। उसमें लगती है कभी गर्मी कभी सर्दी। सच बताऊं? मलेरिया नहीं, कसम से। अरे हुआ क्या है, कुछ बोलो तो सही। अम्मी आप चुप रहिए ना, और पांव भी इस तरह से रखिए कि पता ना चले क्या पा रही हूँ। अच्छा भाई, क्या हुआ? मलेरिया है? लग तो नहीं रहा। अब्बा मुझे थोड़ी हुआ है, उसे हुआ है, अफजल को। कमरे में लिहाफ लेके पड़ा है। लिहाफ लेकर? हाँ, दफ्तर से भी जल्दी आ गया था। अच्छा? कसम से अब्बा, थर थर कांप रहा था। आए देखें। देखो जरा कैसा पसीने में भीग रहा है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? मैंने तो कहा था, नहीं माना। इसमें मानने ना मानने वाली क्या बात है, जगाओ इसे।
यहां तो सब ठीक लग रहा है। बरखुरदार उठो। अब्बा आप, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये आरिफा तो बता रही थी कि जब तुम दफ्तर से आए तो कपकपा रहे थे। वो तो तब की बात है, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? क्या करूंगा जाके, अब तो ना बुखार है और ना ही कपकपी। दफ्तर में तो सब ठीक है ना? नहीं, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शेख साहब दो दिन से फजर पढ़ने भी नहीं आए। वैसे शहर में होते हैं तो नारा नहीं करते, मुलाकात होती है ना उनसे। अब कभी कभी हो जाती है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो। यखनी बना देना इसके लिए। अब दोबारा कपकपी हो ना तो हाथ से पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाना, फोन बाद में करना। जी अच्छा। ये तुम्हारी माँ की वापसी कब होगी? मगरिब से पहले पहले। अच्छा, दरवाजा बंद कर लेना। यखनी बनाकर दो ना मुझे। अच्छा बात सुनो, अलमारी की चाबी कहाँ है? वो शेख साहब की बेटी तुम्हारी सहेली है ना, क्या नाम है उसका? लुबना। क्या बात है? नहीं नहीं ऐसे ही फोन वोन तो करती है ना। हाँ कभी कभी, तुम्हारा जरूर पूछती है। चलो चलो, अब टिक कर कहीं बैठ जाओ तो मुझे भी लगे मैं बीमार के लिए यखनी बनाने जा रही हूँ। हाय भाभी, ऐसे ऐसे जड़ाव सेट हैं कि हमारी फरा देखेगी तो उसकी आंखें चुंदी आ जाएंगी। एक भी चूड़ी ऐसी नहीं जिसमें कोई छोटा मोटा हीरा ना लगाओ। खरीद लिए? और नहीं तो क्या, खरीद कर लॉकर में रखवा दिए। अब तो कपड़ों पर ध्यान चल रहा है। अब तो सोने की कढ़ाइयों के सैंपल्स देख रही हूँ, 50 बिस्किट तो लग ही जाएंगे। बिस्किट? अरे हाँ, वो खरे सोने की ईंटें नहीं होती, हम उन्हें बिस्किट कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मेहताब तो कह रहा था कि मुंह दिखाई में फरारी दूंगा। फरारी? हाँ थोड़ी महंगी है लेकिन हमारी फरा से महंगी तो नहीं है ना। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी फैसला कर रहे हैं। फैसला? शेख साहब आ जाएं तो रात को फोन करेंगे आपको। ये तो नई बात हुई ना। नई बात क्या? आपके यहाँ मर्द शादी की तैयारियों की बातें करते हैं। जी वो 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, आज तो बता ही देंगे। अच्छा अच्छा। भाभी एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कहिए। फरा से कहिएगा कि कभी कभार मेहताब से बात कर लिया करे, अब शर्म में शर्म कैसी? शर्म ही तो शर्म है भाभी, अब मेरा मतलब है रात को ये भी तय हो ही जाएगा। चलो भला मैं ये बात भाई साहब से कैसे कहूंगी। इंशाल्लाह उसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद ही कर लेंगे सारी बात। चलें फिर ये बात भी भाई साहब से हो जाएगी। फरा को बहुत प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। खुदा हाफिज़। ओह, आपने तो उनकी सारी बातें मान ली। जल्दियां मत करो, 2-4 घंटे की तो बात है, भाई साहब का फोन आएगा फिर तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाएगी। करें बात जी। क्या नाम है?
अफजल, अफजल नाम नहीं है उसका, ये उसके कैरेक्टर की बात कर रही है। यही नाम है उसका, मैं उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अरे तुम यहाँ बैठी आराम से पढ़ रही हो और उधर तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। आज रात को तुम्हें फाइनली बताना ही होगा कि वो लड़का कौन है। तो क्या करूं? सोचो, नाम बताओ उसका। किसका नाम लूं? तुमने उस कमीनी का कहा था, वो तो सुनकर ही बेहोश हो गया। वजू करो। वजू? अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है। नफल पढ़ने का वक्त हो चुका है, फट से 100 नफल नमाज की नियत करो और बैठ जाओ मुसल्ले के ऊपर। तुम क्या कह रही हो? खुदा की बंदी, जब खुद से हल ना निकले ना तो अल्लाह से मदद मांगते हैं। जल्दी करो, अम्मी आने वाली है और घंटा भर में अब्बा भी आने वाले। कौन सी नमाज पढ़ रही? ना मगरिब ना इशा। जरा बताओ ये कौन से वक्त की नमाज पढ़ रही है? नमाज नहीं, नफिल। मन्नत मानी थी ना उसने कि अगर उसका खास काम हो जाएगा तो 100 नफिल पढ़ूंगी। 100 नफिल? और ये मन्नत क्या मानी थी इसने? वही अम्मी, महताब वाली। नमाजें भी इसलिए पढ़ी है कि उससे शादी ना हो। इधर मन्नत पूरी होने के नफल पढ़े जा रहे हैं और उधर शगुफ्ता भाभी ने लाखों के जेवर बनवा लिए और वो कह रही थी कि बुंदों से लेकर चूड़ियों तक हर जेवर में उन्होंने हीरे लगवाए। तो ये कौन सी परेशानी की बात है? किसी और लड़की के काम आ जाएंगे ना अम्मी। काम तो तब आएंगे ना जब तुम्हारे अब्बा उनको इनकार करेंगे। तो आप कह दीजिए ना, कर दे इनकार। पहले उस लड़के को तो बुलवाओ। ये तो उस लड़के का नाम तक नहीं बता रही। नफल पढ़ते ही बता देगी। आधे नफलों पर रोक दो इसे, कहो कि अभी मन्नत पूरी नहीं हुई, खामखा बाद में खुदा से गिला करेगी। और तुम खुद ही जाकर इसे कह दो कि अब्बा के आने से पहले उस लड़के का बायोडाटा लेकर खुद नीचे पहुंच जाए, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। खुदा की पना, मोहब्बत करते हुए शर्म नहीं आई, अब नाम बताते हुए शर्म आ रही। बारह हुए हैं बस। अब दुआ मांगो और बाकी के 88 खबरनामे के बाद। क्यों दुआ मांग? चटखनी लगा और बैठ के सोच के लड़का कौन है। घंटा भर में पेशी है तुम्हारी अब्बा के सामने। वहां पर केस जीतोगी तो अब्बा फोन करके इनकार करेंगे, वरना तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है ना शादी की तारीख। तुम कहां जा रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम्हारी इस चिक चिक से मेरा दिमाग छलनी हो चुका है। समझो तो अब्बा की एक गरज से वही मर जाऊंगी। No more help, sweetheart. It's over. जी महताब साहब। महताब नहीं, अफजल। अरे तुमने फोन ही कर लिया,
मैं तो समझी बेहोश हो गए तब होश में ही नहीं आओगे। अरे नहीं, होश में बिल्कुल। अच्छा तो बताओ फोन क्यों किया? हाँ बोलने के लिए। हाँ मतलब? वो जो नौकरी और डेजिग्नेशन की बात कर रही थी आप, तो मैं कह रहा था कि मुझे मंजूर है। सच बोल रहे हो? झूठ बोलने के लिए फोन करता आपको? ठीक से सोच समझ लिया ना? देखो ये जान जोखों का काम है, अब्बा को गुस्सा आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। वो फरा वाली बात करें ना। फरा वाली बात? याद नहीं उन्होंने रेस्टोरेंट में क्या कहा था? क्या? जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ तो आपको लगता है आपके अब्बा मेरी जान ले लेंगे? Quite possible. तो ठीक है फिर, बात खत्म। मैं दे दूंगा जान, लेकिन एक बात बताइए प्लीज। हाँ? 4 महीनों तक मोहब्बत चलती रहेगी? वो तो चलानी पड़ेगी। मुलाकातें भी होंगी? जाहिर है मुलाकातें भी होंगी। लेकिन फिर 4 महीने के बाद क्या होगा? 4 महीने में पता है कितने पैसे कमा लोगे तुम? 8 लाख। तो बस काफी है 8 लाख से कोई कारोबार करना और फरा को दुआएं देते रहना। मोहब्बत खत्म? मोहब्बत मतलब नौकरी? नौकरी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी जब फरा को कोई लड़का पसंद आ जाएगा और अब्बा कह देंगे कि ये ठीक है। मेरा क्या होगा? होना क्या है, तुम्हारे नाम पर तो अब्बा कभी मानेंगे ही नहीं। तुम्हारा नाम सुनते ही वो हंगामा खड़ा करेंगे कि खुदा की बना। अब्बा हंगामा करेंगे, तुम दोनों ड्रामा करोगे। फरा तुम्हारा नाम लेकर अब्बा के सामने रोया करेगी और तुम अब्बा के कदमों में गिर गिर कर कहोगे कि अंकल मैं फरा के बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उसके बगैर, जहर खा लूंगा। फिर क्या, फरा भी इस तरह की कोई धमकी देगी, उसकी धमकी पर डर जाएंगे अब्बा। डर जाएंगे तो मान नहीं जाएंगे? हो सकता है कि बेटी की धमकी पर मान भी जाए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसका भी हल सोच रखा है हमने। उसका क्या हल है? तुम फरा से बेवफाई करोगे। बेवफाई? अरे भाई सुनने देखने वाले तो यही समझेंगे ना, पहले टूटकर मोहब्बत करना फिर भागकर बेवफाई। भागकर क्या मतलब? तुम भी ना, बात समझ नहीं आती तुम्हें। बेवफाई में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे भाई 2-3 महीने के लिए कराची चले जाना, अपना फोन नंबर बदल देना। यहाँ फरा रो रो कर अब्बा से कहेगी कि अब्बा अफजल मुझे छोड़कर चला गया, वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। खुदा की कसम मैं तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हूँ। तुमसे किसी ने पूछा? और वो जो लड़की है जो खत लिखती है तुम्हें, अम्मा है तुम्हारी? अच्छा खैर बस तुम समझ लो, जो ही तुम बेवफाई करोगे उसी दिन तुम दोनों का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बस यही चाहती है वो तुमसे और इसी के 8 लाख रुपए दे रही है तुम्हें, कम है क्या? ज्यादा है बहुत। जो बेवफाई करे उसको तो टका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मैं रखता हूँ फोन, उसे कहिएगा डील इज डन, मैं वही करूंगा जो वो चाहती है। अगर तुम ये सोच के डर रही हो कि नाम सुन के मुझे गुस्सा आएगा तो तुम गलत समझ रही हो। मैंने जब यह सुन लिया कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो और यह भी कह दिया कि लड़के से मिलते ही मेहताब को फोन करके इनकार कर दूंगा, तो फिर क्यों परेशान हो तुम? तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक लिबरल बाप हूं, मोहब्बत के होने को जायज समझता हूं बशर्ते कि लड़की की आबरू पे कोई हर्फ ना आए। मैं कसम खाती हूँ अब्बा। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे एतबार है।
तुम सिर्फ उसका नाम बताओ, उसका फोन नंबर दो, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूं। और तुमसे वादा करता हूं कि उससे बात करते ही महताब को फोन करके इनकार कर दूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बोलो, जवाब दो। आप थोड़ी छूट दे दीजिए उसको, अगर हैसियत में थोड़ा छोटा भी हो तो मान जाइएगा। अरे वो तो बात की बात है इरसा, पहले कुछ बोले तो सही। एक मिनट, I'm sorry अब्बा, लेकिन अगर आप मुझे एक मिनट देंगे तो ये सब कुछ बोल देगी। हाँ तुम भी आगे बैठ जाओ इसके साथ। नहीं अब्बा, मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, एक मिनट के लिए इसको लेकर जाऊंगी। ओके, ले जाओ। भागा नहीं है वो, ना ही उसने इनकार किया है, वो मान गया है। हत्ता कि वो इस बात पर भी मान गए कि अगर अब्बा उसकी जान भी ले ले तो वो जान दे देगा। लेकिन आज के दिन तुम सिर्फ उसी का नाम बताओगी, तुम ये नहीं बताओगी कि वो मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। ये उसने कहा? ये मैं कह रही हूँ, पहले पटाखा छोड़ो फिर बम फोड़ना। लेकिन अम्मी को तो फौरन शक हो जाएगा, पूछेंगी कि मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे की बात कर रही हो, फिर क्या करूंगी? इतनी देर से परफॉर्म कर रही हो ना, अब भी परफॉर्म करना, नाम बताना और शर्मा कर कमरे से बाहर आ जाना। अम्मी को सकता हो जाएगा। सकता तो अब्बा को भी हो जाएगा, लेकिन तुम हरकत में रहना, नाम लेते ही उठना और इससे पहले कि वो दोनों होश में आए फौरन कमरे से बाहर आ जाना। अब क्या हुआ, बुलाओगी तो आ जाएगा वो? मैं क्यों बुलाऊंगी, अब तो तुम फोन करना, थोड़ी बातचीत करोगी तो खुलेगा। खुलेगा मतलब? थोड़ा खुलेगा तो अब्बा से खुलकर बात करेगा ना, तुमने देखा नहीं वो तो तुमसे ही बात करते हकलाने लगता है। उस्ताद कह रहे हैं एक मिनट खत्म हो गया। अब तुम जाओ और जाते ही बताओ कि अफजल नाम है। तो अब हम करें बात। जी। क्या नाम है उसका? आज सिर्फ नाम बताऊंगी। हाँ ठीक है, आज सिर्फ नाम बता दो। अफजल। अफजल नाम नहीं है उसका, ये उसके कैरेक्टर की बात कर रही है। यही नाम है उसका, मैं उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। अब जाओ। कौन है ये अफसर? हाँ मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। मेरी वही अफसर है। बोलो जवाब दो, अगर ये वही अफसर है तो कह दो कि ये वही है। जी हाँ ये वो ही अफसल है।
कैसे हो सकता है कि तुम्हें मोहल्ले के किसी लड़के से इश्क हो जाए और मेरे फरिश्तों को भी पता ना चले? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं माँ की ड्यूटी करने में नाकाम हो गई। मैंने आपसे कहा ना अम्मी, बचपन की फीलिंग्स थी, बड़े होके पता चला कि मोहब्बत हो गई है। मैं कोई मिलती जुलती नहीं हूँ उससे। ये कमी भी पूरी कर डालो। वो क्या है कि साल 6 महीने का वक्त मिल जाए तो मैं अपनी गलती को सुधार भी सकती हूँ। बचपन की मोहब्बत को कैसे सुधारोगी? ये भी ठीक है। कभी सोचा नहीं था, नाम लोगी तो मार ही डालोगी। अब गलती हो गई ना। गलती वो होती है फरा जो एक बार की और फिर वादा कर लिया कि अब नहीं करूंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। इसलिए तो मैं चुप थी, नाम नहीं बता रही थी उसका। उसका तो खैर नाम ही काफी है। कल बुलाओ उसे और उसे बोलो कि आकर सबसे पहले मुझसे मिले। आप क्या करेंगी मिलकर उससे? अब्बा को मिलने दीजिए ना। तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बा के सामने कोई ऐसी वैसी बात कर दे और वो दिल पकड़ कर बैठ जाए। रस्मन भी पहले माँ ही लड़का देखती है। चलो फोन करो उसे और पूछो कितने बजे आएगा। और ये भी बता दो कि खाने में क्या क्या पसंद है। खाने को रहने दीजिए ना अम्मी, बस चाय पिला दीजिएगा। जैसा तुम कहो। अब अब्बा से कहिए ना, मैं तो आपको फोन तो कर दें। फोन भी हो जाएगा, घबराओ मत। अब जब तुमने ठान ही लिया है तो नतीजा तुम्हारे हक में निकलेगा। अब जाऊं? फोन ऊपर कमरे में पड़ा है। जाओ। सुन लिया? लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं। वो भी हफ्ते में 2 दफा उसको खत लिखती है। बड़ा पुराना इश्क है दोनों का। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समझने की कोशिश करो फरा। इस तरह के फितरी आशिक से किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत की एक्टिंग कराना बहुत मुश्किल काम है। कल वो आ रहा है मुझसे मिलने। मैं तो साफ कह दूंगी, 5-10 लाख जो लेने हैं लो और जान खुलासी करो। कहाँ हो तुम? तुम्हें बताया तो था कि आज ऑफिस की तरफ से लंच है, तो इस वक्त मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। जाने वो कहाँ।